बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के सामने हुए निकिता मर्डर केस में आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। एसआईटी ने 11 दिन में 700 पेजों की चार्जशीट तैयार की, जिसमें 60 गवाह शामिल हैं। आपको बता दें कि एसीपी क्राइम अनिल यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की धरपकड़ में लगाई गई थी, जिसमें मात्र 5 घंटे में क्राइम ब्रांच ने गोली मारने वाले मुख्य आरोपी तौसीफ को नूह से गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे आरोपी रेहान को भी नूह से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आरोपियों को हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए देसी कट्टा उपलब्ध कराने वाले तीसरे आरोपी अजरू को भी नूह से ही गिरफ्तार किया गया। वे वारदात में प्रयोग गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। निकिता मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की है, जिसमें मटेरियल, फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी विटनेसेस भी हैं और लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है, जो इसको लड़के को सजा करवाने में हमारे काम आएगा। ये हत्या के बाद लगातार लोगों के मन में कहीं इस बात को लेकर डर था कि चूँकि दूसरी पार्टी जो है ये काफ़ी मजबूत परिवार से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से संपर्क रखती है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई कमी ना रह जाए, तो किस तरह से आप? इसमें हमने ऐसा कोई हमारे पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और हमने इसको जो चार्जशीट को भी कई लीगल एक्सपर्ट से चेक करवाया है ताकि इसमें कोई कमी पेशी ना रहे और फरीदाबाद पुलिस इन मुलजिमों को जल्द से जल्द सजा करवाए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।